बीए, बीकॉम, बीएससी और एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज। जरूरतमंदों का सहारा सिवान यूथ फाउंडेशन के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता और यूथ फाउंडेशन के मेंबर के साथ साथ पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि सिवान यूथ फाउंडेशन हर जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाने का काम करता है। कोरोना काल में आई महामारी की वजह से सभी को हर तरह की आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस दौरान जहां हर एक बेहतर शख्स ने एक दूसरे की मदद करने की कोशिश की, तो वहीं लोगों की मदद के लिए सिवान यूथ फाउंडेशन के सभी मेंबर सामने आए और बिना किसी क्रेडिट के लोगों की बढ़ चढ़कर मदद की। आज भी हमेशा जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने के लिए यूथ फाउंडेशन सबसे आगे रहता है। शहर के अलग अलग जगहों पर लगातार यूथ फाउंडेशन के द्वारा मेडिकल कैंप लगाकर मरीजों के इलाज के साथ साथ फ्री में दवा भी दी जाती है। इसी तरह बाढ़ से ग्रस्त इलाकों में यूथ फाउंडेशन के मेंबर अपनी जान की परवाह किए बगैर नाव से जाकर घर घर लोगों तक राशन के सामान पहुंचाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सिवान यूथ फाउंडेशन गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए सभी तरह की सुविधा को उपलब्ध कराते हैं, ताकि गरीब तबके के बच्चे भी पढ़कर बड़े बड़े मुकाम को हासिल कर सके। सिवान यूथ फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर मुमताज अहमद ने क्या कहा, सुनिए। जो है हम लोग जैसे बाढ़ के टाइम में, कोरोना के टाइम में, या जनरल हेल्थ एजुकेशन के कैंप कराते हैं, बच्चों के बीच अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, इस तरह की मुहिम हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं लोग। लेकिन अभी हम लोग का मेन थीम जो है सिवान यूथ फाउंडेशन का, उसका मेन ये थीम है कि एजुकेशन के में और हेल्थ में सबसे ज़्यादा हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। इसलिए कि हम लोगों ने देखा आज के युवा जो है बेपरवाह होते जा रहा है, बस सोचता नहीं, दौड़ता है। मैं उन दोस्त युवा साथियों से मैं अपील करता हूँ, सोच के दौड़ो, दौड़ के नहीं सोचो, इसलिए कि तुम्हारे कंधों पर आने वाले देश के भविष्य है। और इसके लिए समाज में सब चीज़ से ऊपर उठकर सोसाइटी के लिए काम करो, अपने लिए, परिवार के लिए काम करो और देश का नाम रोशन करो। इसी मुहिम के तहत आज हम लोगों ने जो है यूथ फाउंडेशन के द्वारा फर्स्ट इंस्टॉलेशन हुआ, जिसमें मेरे जो भी सक्रिय सदस्य थे, जिनकी सहयोग से आज तक हम लोगों ने फाउंडेशन को चलाते आ रहे हैं, उन लोगों को हम लोग सम्मानित किया। मीडिया बंधु जो हमारी आवाज़ों को जन जन तक पहुँचाए, उन लोग का भी मैं आभार प्रकट किया और उन लोगों के लिए मैंने सम्मानित किया। सब रजिस्ट्रार साहब और DPRO साहब चीफ गेस्ट थे आपके, उन्होंने भी इसकी सराहना की है, तो आप क्या कहेंगे उन लोगों के लिए? मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि इतने व्यस्त शेड्यूल के बाद भी उन लोगों ने हम लोग, मुझे और मेरे फाउंडेशन के मेम्बरों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। मैं उन लोगों का तहे दिल